वास्तु जो है वो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज है। एनर्जीज का भी मतलब ये है, जो इसमें एनर्जीज हैं वो बेसिकली वो फाइव एलिमेंट्स हैं, जिनकी वजह से जो सारा का सारा, एक सेकेंड, हाँ अश्विन जी, बेसिक बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज है, जो बेसिकली एनर्जी जो मिल रही है वो फाइव एलिमेंट से मिल रही है, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड स्क्वायर। ये मास है, ये एनर्जी है, और ये मास है, और ये स्पीड है। ये एक फॉर्मूला है इसका, और मास इज इक्वल टू एनर्जी ऑब्लिक सी स्पीड। तो ये जो है फाइव एलिमेंट्स है, वाटर है, अर्थ है, फायर है, और एयर है, और स्पेस है। बेसिकली जो ये पांच एलिमेंट हैं, इन्हें हमें बैलेंस करना है, क्योंकि किसी भी हर डायरेक्शन को, हर जगह का, हर मटेरियल का अपना अपना एलिमेंट है। हर डायरेक्शन, हर प्लेनेट, आज हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, हर राशि का अपना एलिमेंट है, हर प्लेनेट का अपना एलिमेंट है। तो ऐसे ही जितना भी मटेरियल है, जितनी भी स्पेस है, उन सब में डायरेक्शंस के हिसाब से अपना अपना एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट को हमने बैलेंस करना ही सिर्फ वास्तु है, और इसमें कुछ नहीं करना होता। आपने अगर मान लीजिए, आज सपोज करिए, एक मान लीजिए ये हम एक चार्ट बनाते हैं, छोटा सा एक ये चार्ट बना हमारा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ये स्पेस है हमारा, जो बीच का एरिया है ये स्पेस है, इसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, स्पेस, ये स्पेस है। अब ये वाला जो जोन है, नॉर्थ वेस्ट जोन जो है, ये एयर का जोन है। नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो वाटर का जोन है। साउथ ईस्ट जो है वो फायर है। ये फायर का जोन है, और ये वाला जो जोन है साउथ वेस्ट जोन जो है वो अर्थ जोन है। अब क्या है इसके अंदर में, आप ये मान करके चलिए, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं इस तरीके से, तो जो डायगोनल है, अगर मान लीजिए हम डायगोनल लेते हैं, तो डायगोनल जो इफेक्ट है, डायगोनल इफेक्ट जो है वो प्रमोट करता है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे फायर और एयर, मतलब फायर के लिए एयर जरूरी है, तो ऐसे में ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमारी डायगोनल डायरेक्शन है। जैसे वर्क अर्थ और वाटर, तो अर्थ के लिए वाटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आती है, एयर के लिए वाटर, वाटर के लिए फायर के लिए वाटर, जो बैक में, वाटर के लिए एयर जो है वो अच्छा नहीं है, फायर के लिए जो वाटर है वो अच्छा नहीं है, अर्थ के लिए फायर अच्छा नहीं है, और एयर के लिए अर्थ अच्छा नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, जो डायगोनल है, जैसे वाटर एयर का ठीक है, एयर फायर का ठीक है, बट जो ये वाली जो बैक की है, फायर के पीछे वाटर है वो अच्छा नहीं है, अर्थ के पीछे फायर है वो अच्छा नहीं है, एयर के पीछे अर्थ है वो ठीक नहीं है, और वाटर के लिए जो एयर है वो ठीक नहीं है।
ऐसे में जो डायगोनल इफेक्ट है वो प्रमोट कर रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं करता, नो डिस्टरबेंस। तो ऐसे में हमें सिर्फ ये देखना है कौन से जोन के लिए कौन सी चीज डिस्टर्ब करेगी और कौन सी चीज जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। बस आज मान लीजिए आपने किसी भी जोन के अंदर में उसका एंटी एलिमेंट रख दिया, या एंटी एलिमेंट की चीजें आपने वहां पर कर दी, या कोई एक्टिविटी कर दी जो उससे रिलेटेड है, जो उसका एक तरह से अपोजिट जोन है, तो वहां पर उसके लिए कोई ना कोई तकलीफ होगी। अब वो तकलीफें क्या होती हैं उसकी भी बहुत डिटेलिंग है कि आज कौन सी डायरेक्शन के अंदर में कौन सी चीजें आपने कहाँ गड़बड़ कर दिया, उसकी वजह से क्या इफेक्ट्स आएंगे, उस चीज का भी पूरा का पूरा आपके पास डिटेलिंग आने वाली है। और हर चीज के लिए आज घर से रिलेटेड हैं हमारी क्या प्रॉब्लम्स, अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें देता हूं इसमें, जैसे आज कोई रेजिडेंसी है, सपोज करिए रेजिडेंशियल वास्तु की आप बात करते हैं, रेजिडेंशियल वास्तु के अंदर में आप मान करके चलिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे रेजिडेंस में आ सकती हैं अगर रेजिडेंस के लिए, तो अगर मान लीजिए वास्तु डिस्टर्ब है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। नो पीस ऑफ माइंड, वो रेजिडेंस किसी का भी हो, चाहे वो बिजनेसमैन का हो, चाहे वो सर्विसमैन का हो, चाहे ज्वेलर का हो, किसी भी एक्स वाई जेड, किसी एस्ट्रोलॉजर का भी घर हो सकता है, ब्यूरोक्रेट हो सकता है, पॉलिटिशियन का, किसी का भी हो सकता है, हैज एवरीथिंग। ये मैं आपको सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वास्तु आपकी डिस्टर्ब है तो, बट नॉट इंजॉय। नो ग्रोथ, ग्रोथ इन, नो ग्रोथ इन कैरियर, थेफ्ट, इनसिक्योरिटी, नो फ्लो ऑफ मनी, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप मान करके भी, चिल्ड्रन एजुकेशन है, मैरिज प्रॉब्लम, मैरिजेबल बच्चे हैं, लॉस ऑफ सेक्सुअल एपेटाइट, डिले इन मैरिज, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये सारी रिलेशनशिप इश्यूज जो मेजर चीजें हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं जो प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही कमर्शियल वास्तु के अंदर भी है, आप मान लीजिए अगर कोई ऐसी वास्तु है जहां पर आपके लिए कोई शॉप है, मॉल है, तो ऐसे में उसके लिए भी है कि वहां पर क्या है, फुटफॉल्स कम हो रही है, वहां पर स्टॉक बिक नहीं रहा, कोई कस्टमर जो है वो बार्गेनिंग ज्यादा कर रहा है, वहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो इस तरीके की, चाहे तो वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो ऑफिशियल कमर्शियल हो, चाहे दुकान की हो, तो ये सब प्रॉब्लम सिग्निफाई होती है कि वास्तु की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। अब उसकी रेक्टिफिकेशंस भी है कि वो रेक्टिफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, अगर मैं आपको प्रॉब्लम्स गिनवान में आ जाऊंगा। अब जैसे 16 जोन्स हैं, अब मान लीजिए मैं कहता हूँ 16 जोन है हमारे, मैं उन जोन्स के बारे में बता दूंगा। नॉर्थ ईस्ट है, सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हम कहते हैं पूजा जोन, पूजा रूम होना चाहिए, ठीक है, पूजा रूम होना चाहिए, आध्यात्मिक मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ये सब चीजें हमारी नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ये मैं 16 जोन के बारे में बता रहा हूँ। ईस्ट ऑफ नाइट, यहाँ पर लाइट स्टोरेज होनी चाहिए, और लाइट स्टोरेज है, फास्ट मूविंग आइटम्स रखे हैं यहाँ पर, उसके अलावा ईस्ट जोन जो है, ईस्ट जोन क्या है,
आप ये स्नान गृह बाथरूम भी बना सकते हैं ईस्ट जोन में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है ये मंथन है, यहां पर कोई भी किसी तरीके का चर्निंग जोन है, ठीक है। उसके अलावा साउथ ईस्ट है ये किचन, सभी जानते हैं किचन जो है वो साउथ ईस्ट के अंदर में है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है ये घी तेल भंडार, मतलब ये आपके पुराने वास्तु जो 16 जोन 16 कमरों की वास्तु बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर जो आपका स्टोरेज है किचन का स्टोरेज जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा साउथ में जो है बेडरूम है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर में स्टोर रूम है, साउथ वेस्ट के अंदर में आप हम बोलते हैं कि अस्त्र शस्त्र का रहा वो है, और वहां पर कोई भी किसी तरीके की उस वक्त है, हालांकि मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है साउथ वेस्ट के अंदर में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है ये भी मेडिटेशन के लिए रिसर्च के लिए उन सब चीजों स्टडी रूम के लिए ये वाले सारे के सारे जोन उस काम में आ सकता है। वेस्ट जो है वो डाइनिंग रूम के लिए है, और इसमें कहा गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है रोदन कक्ष बोला गया डिप्रेशन के लिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट जो है वो किसी भी तरीके से ये मान करके चलिए जो आपका पुराने जमाने के अंदर में पशुओं के रखने का स्थान है या उस तरीके से भी होता, कोई भी फॉरेन स्टडीज के लिए उसके लिए भी है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो न्यूली मैरिड के लिए है, नॉर्थ जो है वो कुबेर का स्थान है, उसको धन ग्रह भी कह सकते हैं, कुबेर का स्थान है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो रिकवरी जोन है। तो इस ये तो छोटी छोटी सी मैंने आपको बिल्कुल जरा जरा सी एग्जाम्पल दिया, इनकी बहुत डिटेलिंग है कौन सी एक्टिविटी किस जोन के अंदर में क्या इम्पैक्ट दे सकती है वो भी हम देख सकते हैं। आपने कोई भी गलत जोन कोई भी एक्टिविटी अगर आज किचन ही है आपने किस जोन में बनाई है वहां पर किस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए क्या एक्टिविटी होनी चाहिए ये पूरी 16 जोन के लिए बताऊंगा मैं। नॉर्मली जो वास्तु में होता है वो 8 जोन के लिए बताया जाता है कि 8 जोन में एक्टिविटीज क्या इम्पैक्ट देंगी, मैं जो इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ वो 16 जोन्स कवर करूंगा। किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल वास्तु के लिए इवन छोटे से छोटा सामान आज टीवी भी आपने रखना है 16 जोन के लिए है, माइक्रोवेव रखना है, वॉशिंग मशीन रखनी है, डाइनिंग बनाना है, ड्राइंग बनाना है, गेस्ट रूम बनाना है, जनरेटर रखना है, इन्वर्टर रखना है, लिफ्ट बनानी, स्टेयर्स बनाने, सारी चीजें हमारी कवर होंगी इसके अंदर में कि कौन से जोन के अंदर में क्या इम्पैक्ट दे सकता है। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इज 16 जोन्स वास्तु, हम वो 8 जोन वाली वास्तु नहीं करेंगे, हम 16 जोन वाली वास्तु करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जो जो भी इसके अंदर में मैंने बताया रेमेडीज जो है वो रेमेडीज इसके अंदर में आप मेटल से रिलेटेड जो मेटल स्ट्रिप्स की है जो महावास्तु की रेमेडीज है वो भी कवर होंगी, कलर्स के हिसाब से भी जो है, और महावास्तु के जो वो जितनी भी 30 जो आर्टिकल्स हैं जो महावास्तु के उनके ऊपर में भी है कि और एक एक चीज के लिए आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपके किसी भी एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए बच्चों के लिए कहाँ पर क्या चीज प्लेस करने से उस चीज की एनहांसमेंट। आज आप देखिए वास्तु के अंदर में किसी भी एक जगह को तो आज आपने कोई भी दिशा बड़ी हुई है उसको अगर आपने एनहांस करना है या उसको एग्जॉस्ट करना है, एनहांसमेंट आज किसी भी एलिमेंट को एनहांसमेंट करनी है या एग्जॉस्ट करना है उन दोनों के लिए रेमेडीज है। आप एनहांस कैसे करेंगे आप उसको एग्जॉस्ट कैसे करेंगे वो क्या है, अगर मान लीजिए एक्सटेंशन है या कहीं पर भी आपकी जो दिशा है वो कट गई है कहीं पर भी दोनों चीजें, अगर मान लो जैसे कोई दिशा जो है कोई भी डायरेक्शन जो है वो अगर कट गई उसको एनहांस कैसे करेंगे, और कोई बढ़ गई है और वो खराब डायरेक्शन में बढ़ गई है उसको एग्जॉस्ट कैसे करेंगे।
ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे कोर्स में कवर होने वाली है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बाद में आपको ये लगे कि हमें ये मालूम नहीं लगा कि इसको। फिर उसके अलावा आपके लिए कौन सी सिटी का कौन सा एरिया सबसे अच्छा होगा, किस जगह पर आपके लिए कहाँ पर क्या एक्टिविटी करने से आपके लिए फेवरेबल होना है नहीं होना है, उस चीज को भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा जो बीएनएन के अंदर है, बीएनएन वास्तु के अंदर में जो मेजर चीजें हमारी कवर होंगी वो होंगी प्लैनेट्स के रिलेटेड, जो भी प्लैनेट्स से रिलेटेड, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दूंगा, प्लैनेट्स से रिलेटेड जो है वो हमारे जो भी घर की चीजें हैं, जो घर के अंदर में चाहे वो ड्राइंग रूम है चाहे कोई भी चीज है, कंपाउंड है बालकनी है, वो कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। आज मान लीजिए कोई एनिमिकल कॉम्बिनेशन आपने बना लिया अपने घर के अंदर में, एक डायरेक्शन के अंदर में, सपोज करिए वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है, उसके अंदर में वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है, और उसके अंदर में आपने केतु से रिलेटेड अगर कॉम्बिनेशन बना दिया, उसके अंदर केतु से रिलेटेड आर्टिकल कर दिया या केतु से रिलेटेड एक्टिविटी कर दी, तो आपके लिए वो शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये आप जो बीएनएन के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं सैटर्न प्लस केतु का कॉम्बिनेशन बनने के बाद में किस तरीके के प्रभाव मिल सकते हैं। वो खाली उसी में नहीं मिलेंगे चार्ट में, वो आपका घर जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा चार्ट है आपका, उसके अंदर में भी सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, सारी डायरेक्शंस, हम उसके अंदर बीएनएन के अंदर भी डायरेक्शंस की बात करते हैं, उसके अंदर भी हमारे पूरे के पूरे डायरेक्शंस जो हैं वो पूरी की पूरी मौजूद है। तो ऐसे में कोई भी जो बीएनएन वास्तु है उसके अंदर में जो हम मेजरली बात करने वाले हैं, फिर कौन कौन सी डायरेक्शन से आपको क्या क्या बैड हेल्थ के इम्पैक्ट मिल सकते हैं, जो बीएनएन वास्तु है उसके अंदर में जो हमारा मेजर जो चार्ट आएगा, मेजर चीजें आएंगी कि कौन कौन सी डायरेक्शन। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कोई भी फ्लॉ कोई भी डिस्ट्रेक्शन है, कोई भी दिक्कत है कहीं पर भी, सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, अपलैंड है, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो गया और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सेप्टिक टैंक बना दिया आपने गलती से, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आपने किचन बना दी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आपने बेडरूम बना दिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कोई हैवी कंस्ट्रक्शन कर दी आपने, और कोई बड़ा पेड़ लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में तो भी है, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिक पोल है वो भी प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, कोई फ्लैग का पोल लगा दिया, कोई झंडे का आपने वो लगा दिया, जो नॉर्मली आदमी कहता चलो झंडा तो लगा ही सकते हैं, ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया आपने, जनरेटर रूम बना दिया आपने, स्टेयर केस बना दिया आपने नॉर्थ ईस्ट में, उसके अलावा कोई बड़ा अपार्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, बड़ी ऊंची एक कंस्ट्रक्शन कर दी, कोई माउंटेन्स ही है आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर में वो भी, कोई हिल है ब्लॉक्स है, ओवर हेड कोई कुछ भी आपने ओवर हेड टैंकी रख दिया, तो ये सारे के सारे किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली इज लाइकली टू सफर, फ्रॉम वेरियस हेल्थ इश्यूज, ही में सफर फ्रॉम टीबी, कैंसर, पैरालिटिक अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, अबॉर्शन, एडिक्स,
मतलब इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में किस तरीके की चीजों का आपने खराब हो रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जनरल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, जनरल प्रॉब्लम्स भी क्या हो सकती हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर में, अगर उसका वायलेशन होता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर उनकी रेक्टिफिकेशन जो बीएनएन वास्तु के अंदर आएगा वो क्रिस्टल्स के द्वारा है और एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा है, और हमारे जो स्टोन्स हैं, स्टोन्स के अंदर में भी जो आप 2, 4, 5 स्टोन जानते होंगे किसी भी प्लेनेट के अंदर में, इसके अंदर में बहुत लंबी डिटेल देने वाला हूँ उनकी स्टोन्स के बारे में, जो किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड हैं, उनको हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में प्लेस करके, आप देखिए ना इसमें फ्रेंडली एनिमिकल प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। हम लोग बीएनएन वास्तु के अंदर में बहुत आराम से देख सकते हैं, देखिए फ्रेंडली और एनिमिकल प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। एक सेकेंड, हेलो, तो इसके अंदर में देखे ना जो बताया गया है, जो मेरे बीएनएन के स्टूडेंट्स पुराने हैं वो तो जानते हैं, अभी नए वालों को उतना आइडिया नहीं है इस चीज का। देखिए हमने कितने बड़े आराम से बीएनएन के अंदर में इस चीज को बनाया है कि हम कैसे देख सकते हैं कौन से प्लेनेट फ्रेंडली हैं और कौन से प्लेनेट जो है वो फ्रेंडली नहीं है। अब देखिए इसमें हम बता तो देते हैं कि प्लेनेट्स फ्रेंडली है नहीं है, मगर वो कैसे देखते हैं। आज हमने ये बताया कि ये जो है ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आज जो चार्ट बनता है हमारा, सपोज करिए मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये एक नंबर राशि, दो नंबर राशि, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। हम जानते हैं एक नंबर राशि ईस्ट है, पांच नंबर राशि ईस्ट है और नौ नंबर राशि ईस्ट है, दो नंबर साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये हमारी वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ। अब आप ये देखिए एक नंबर राशि जो है वो सूर्य की राशि है, ठीक है, हमारे लिए यहाँ पर सूर्य आ जाता है, एक नंबर जो है ईस्ट में आ जाता है, दो नंबर जो है और सात नंबर जो है ये वीनस की राशियां हैं, तो ये साउथ और वेस्ट है, तो ये वीनस यहाँ पर आ गया साउथ वेस्ट में, ठीक है। तीन नंबर राशि और सात नंबर राशि और तीन और छह ये मरकरी की है, ये भी साउथ वेस्ट है, तो मरकरी भी हमारा यहीं पर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा शनि की जो राशियां हैं 10 और 11 नंबर, ये भी साउथ वेस्ट में है, और ये ऑलरेडी राहु राहु की डायरेक्शन ये है ही, तो आप देखिए जो हम कहते हैं दानव ग्रह हैं चार, दानव ग्रह हैं चार, और वो कौन कौन से हैं, राहु है, शनि है, शुक्र है और बुध है, ये चारों के चारों दानव ग्रह जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। आज आप ये मान करके चलिए ये साउथ वेस्ट जो है हमारी मेटलिस्टिक गेन की डायरेक्शन है, आज कोई भी स्टेबिलिटी जो आती है, आज धन संचय यहाँ से तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और यहाँ आकर के रिट्रेन होगी, रिट्रेन, तो ऐसे में आपकी जो भी चीजें जो होती हैं वो साउथ वेस्ट जो है, हम कहते हैं कोई भी कैश बॉक्स है किसी भी जगह पे, साउथ वेस्ट पे कैश बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी आती है। तो ऐसे में जितनी भी चीजें मेटलिस्टिक मिलती हैं, अब नॉर्थ ईस्ट की लगाएं आप, एक नंबर राशि
और 8 नंबर राशि जो है मंगल की है, या मार्स आ गया नॉर्थ ईस्ट में, ये 8 नंबर है, ये 1 नंबर है। जुपिटर की राशियां 9 नंबर ईस्ट, 9 नंबर 12 नंबर, ये जुपिटर आ गया। ठीक है, अब उसके अलावा आप देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सूर्य आ गया, ईस्ट पे ही है, और उसके अलावा 1 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, मंगल की, सूर्य की और चंद्रमा, इसके अंदर में चंद्रमा की ऑलरेडी जो है BNN के अंदर में, इसको जुपिटर की डायरेक्शन मानते हैं, इसको चंद्रमा की डायरेक्शन, और ये केतु तो है ही है स्पिरिचुअल के। तो सारे के सारे राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर है ही है, तो ये सारे के सारे देव ग्रह जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाते। तो किसी भी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए जो है, ये देव ग्रह की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। तो ये इसी चीज से बैलेंस्ड है। आपका कोई भी कितना भी अगर वास्तु आपका खराब हो, अगर आपने साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एक्सिस को ही अगर बैलेंस कर लिया, आपने सिर्फ इसी को वायलेट नहीं किया कहीं भी, इस पूरी डायरेक्शन को अगर आपने बचा लिया, तो पूरे घर की जो वास्तु है वो ठीक हो जाती है, किसी भी जगह की। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का जो एक्सिस है, एक्चुअल में जो है वो यही एक मेजर वास्तु का वो है, अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया, काफी हद तक चीजें बैलेंस हो जाती, क्योंकि जो मेजर काम होता है वो इसी एक्सिस के ऊपर में होता है। तो ये जो BNN वास्तु के अंदर में इस चीज को बहुत डिटेल से बताया है, ये BNN वास्तु का पार्ट है। बाकी मैं आपको उसका सिलेबस दोनों चीज का अभी आपको मैं स्क्रीन पर ही शो कर दूंगा, आप दोनों सिलेबस देखिए, दोनों चीजों में हम लोग किस किस बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमारे इस कोर्स के अंदर इंक्लूड होंगी, वो चीजें मैं जानूँ। फिर भी आप लोगों में से कोई भी कोई सवाल पूछना चाहे कोर्स के बारे में तो पूछ सकते। मैं एक बार सर से हाँ बताइए जी। सर आजकल तो मतलब मैक्सिमम फ्लैट्स का ही चल रहे हैं। अब वो तो हाँ घर बहुत कम लोग मतलब अफोर्ड कर पाते, तो फ्लैट्स में तो आपको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले नहीं, से ही प्लान सारी ना रहता है। देखिए रेमेडीज ही हैं। आप एक बात तो मान करके चलिए, कोई भी जोन आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप किचन आज मेरा ही फ्लैट है, मेरे घर की किचन जो है साउथ वेस्ट में है। अब साउथ वेस्ट में किचन रेकमेंडेड नहीं है, मगर वो फ्लैट है उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि मैं साउथ ईस्ट में किचन बना लूं। तो वो तो आपको वही बैलेंस करनी पड़ेगी, एनर्जी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा जो देखिए, जो आप नई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उसमें तो रेकमेंड कर सकते हैं उसके हिसाब से जो आप, क्योंकि इसके अंदर हम जो बात करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, प्लॉट खरीदना भी कैसे है, उस प्लॉट को आपने टेस्ट भी कैसे करना है, डायरेक्शन है, वेद है, वो चीजें कवर होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, कवर सारी चीज है। बट सिर्फ यह है कि जहां पर आप नहीं जिस चीज को कर सकते उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कि आज आप कहें कि जी हमें किचन में चेंज, या आज हम कोई भी फ्लैट है हम कैसे उसको चेंज करेंगे, वो तो चेंज नहीं होगा। चेंज करने वाली वास्तु हो तो फिर वो बहुत पुरानी बात हो गई, या वो तोड़फोड़ वाली वास्तु कोई नहीं है। आपको अरोमा ऑयल से ही बहुत ज्यादा चीजें ठीक हो जाती हैं, आप सिर्फ अरोमा ऑयल से। मैं मैक्सिमम जो करता हूँ रेमेडीज, अरोमा ऑयल की बहुत करता हूँ मैं रेमेडीज, अब उसको अरोमा ऑयल से भी ठीक करा जा सकता है। आपने किसी भी जगह की जो वास्तु है आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें कोई तोड़फोड़ करनी। तो एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखा रहा हूँ, जो ये मेन जो हमारा कमर्शियल वास्तु वैसा वास्तु है उसके लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर जो हमारी चीजें कवर होती हैं। एक सेकंड, हाँ, इसके अंदर में जो चीजें हमारी कवर होती है, प्लॉट्स की होती है, शेप ऑफ प्लॉट्स है, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट्स है, एक्सटेंशन एंड कटिंग ऑफ प्लॉट्स एंड देयर इंपैक्ट्स, डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ प्लॉट्स, शुभ वेद अशुभ वेद, इनकम एंड एक्सपेंसेस बाय बर्थ नक्षत्रास,
ये बर्थ नक्षत्र से भी हम देख पाएंगे, मेन डोर सिलेक्शन, राशि, वर्ण, इनकम, शल्य शोधन है, ऑब्जेक्ट रेक्टिफिकेशन है, फिजिकल नेगेटिविटी, 16 जोन्स एज पर महावास्तु, ये 16 जोन्स ही जो है ना हमारी पूरी की पूरी इसमें आएंगी। 5 एलिमेंट्स हैं, देयर फेवरेबल अनफेवरेबल जोन्स। रेजिडेंशियल वास्तु में सारे इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं रेजिडेंस से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो कवर होंगे, बेडरूम्स हैं, किड्स जोन है, पूजा घर, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, स्टेयर, स्टोर रूम, सर्वेंट रूम, टॉयलेट, वॉशरूम, बार, ऑफिस, गेस्ट रूम, वाटर रिसोर्स, सारी चीजें हैं कंप्लीट। कमर्शियल के अंदर में भी सोसाइटी से लेकर के कोई मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, फिक्स बाउंड्रीज हैं, मॉल है, मॉल की वास्तु है पूरी की पूरी कंप्लीट, कहाँ क्या किस जगह पर क्या चीज होनी चाहिए, ऑफिस है, किसी भी जगह का ऑफिस है, इंडस्ट्रियल वास्तु है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए है, उनका रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन फैसिलिटी, फिनिश्ड गुड्स, सैम्पलिंग, वेस्ट मटेरियल, कैंटीन, जनरेटर, ट्रांसफर, पैकेजिंग, सब चीज। रेमेडीज कैसे, तो रेमेडीज काम करती हैं, महावास्तु की रेमेडीज हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए, रेमेडीज ऑफ प्लैनेट्स हैं, रेमेडीज बाय कलर्स, सिंबल्स, यंत्र, राशिज, सजेशन ऑफ वर्क एज पर डायरेक्शंस वो भी है, मुहूर्त भी है, आपने किसी चीज का मुहूर्त से कैसे करना है वो भी है। रेमेडीज अलग अलग भी हैं, प्रॉपर्टी सेल, परचेज, एजुकेशन, मैरिज, जॉब प्लेसमेंट, ट्रेवल अब्रॉड, कोर्ट केस, फियर, ये सब चीजों की अलग अलग तरीके से रेमेडीज भी इसमें कवर होंगी। ये हमारा जो नॉर्मल वास्तु है, जो मैंने कोर्स बताया 20 क्लास का, 12,000 रुपए का कोर्स है, वो ये वाला कोर्स है, ठीक। और उसके अलावा फिर इसमें मैंने एड ऑन दिया है बीएनएन वास्तु को भी। बीएनएन वास्तु का जो है मेरा कोर्स, वो एक मिनट, ये बीएनएन वास्तु का कोर्स है, इसके अंदर में हाउस योगा, इसमें हम ये भी बताते हैं हाउस योगा क्या है, घर बनने के क्या क्या योगा हो सकते हैं, लोकेशन ऑफ हाउस क्या है, लोकेशन ऑफ शॉप, बिजनेस फर्म क्या हो सकती है, वास्तु डिफेक्ट्स एंड हेल्थ एंड जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में है, क्रिस्टल वास्तु है, चक्र एक्टिवेशन विद क्रिस्टल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स भी है इसके अंदर में, स्टोन्स एसोसिएटेड विद 5 एलिमेंट्स भी है, और प्लैनेट्स एंड देयर जेम्स एंड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल पिरामिड, एसेंशियल ऑयल्स फॉर लव एंड रिलेशनशिप, मनी एंड सक्सेस, प्रोटेक्शन एंड वेल बीइंग, साइकिक अवेयरनेस एंड इंट्यूशन, इंडिविजुअल ऑयल्स फॉर मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल यूजेस, 5 एलिमेंट्स एंड देयर क्रिस्टल एंड एसेंशियल ऑयल्स, कैजुअलिटी प्लैनेट्स एंड वेरियस पोर्शन ऑफ हाउस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड रिगार्डिंग नाडियास, काइंड्स ऑफ वेदास, वास्तु डिफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ रेमेडीज फॉर मिसिंग कॉर्नर एंड एक्सटेंडेड कॉर्नर, ये स्पीयर रोड हिटिंग, विधिशूल, विधिशूल रिजल्ट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये बीएनएन वास्तु के अंदर कवर। तो ये पूरा का पूरा कोर्स है। तो ऐसे में अभी फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत छोटा सा एक डेमो दिया है जिसके अंदर में, क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो कवर तो नहीं हो सकता, मगर फिर भी कोशिश करी है मैंने। आप कुछ और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर, तो इनके नोट्स वगैरह मिलेंगे कि रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, क्या होगा मतलब? रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो मिलती है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो जानते ही हैं कि रिकॉर्डिंग्स तो मेरी रहती ही रहती है। नहीं, रिकॉर्डिंग को पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा फिर क्या? पीडीएफ जहां पर जरूरत है या जहां पर भी है, मैं पीडीएफ भी दूंगा। जैसे मान लीजिए आज क्रिस्टल्स की बात करेंगे, एसेंशियल ऑयल्स के, वो लिखवाने बड़े मुश्किल है, वो मैं पीडीएफ दूंगा मैं सारे। बाकी सारा पीडीएफ नहीं मिलेगा, बाकी सिलेबस का पीडीएफ नहीं, बाकी तो चीजें आपको देखें नोट करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीजें होंगी, थोड़ा सा पार्ट होगा पीडीएफ में, ज्यादा पार्ट नहीं होगा, बट जहां जहां चीजें समझाने की हैं, लिखने की हैं, वो फिर वो तो आपको नोट करनी पड़ेंगी। अदरवाइज मैक्सिमम चीजें जो, जैसे मैंने बताया, रेमेडीज का कुछ पार्ट ऐसा है जो पीडीएफ पे आएगा, सारा नहीं आएगा ना? हाँ, सारा नहीं आएगा, सारा पीडीएफ पॉसिबल नहीं, सारा में तो फिर 24 क्लास की जरूरत ही नहीं है,
अगर पूरा ही पीडीएफ देना, ठीक है ओके। क्योंकि चीजों को वो बताना पड़ेगा। जी सर, वो घर का मैप कैसे डायरेक्शन देखना, हाँ वो जोनिंग घर के अंदर, जोनिंग जोनिंग करना बताऊंगा मैं। वो 11.5 डिग्री तक से है, 22.5 डिग्री नॉर्मली देखते हैं उसमें। अगर आप उसको 32 जोन में देखना चाहते हैं 32 में भी देख पाएंगे, नहीं तो 16 जोन का तो है ही। नहीं तो उसके लिए मैप होना चाहिए, बिना मैप के हो जाएगा। नहीं मैप ऑब्वियस है, देखिए प्लॉट का साइज है, मैप है, वो तो जरूरी है ना। अगर मान लीजिए आपको मैं बता दूंगा कैसे देखना है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, उसके अलावा करना तो मैप के ऊपर पड़ेगा। नहीं फ्लैट्स की बात करते हैं क्योंकि सभी के पास फ्लैट्स ही ज्यादा है उसके लिए। नहीं फ्लैट में भी ना, आज आपके पास में मुझे बताइए, अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई है और अगर वो फ्लैट का मैप आपके पास आउटले है उसका, तो उसी पे हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। मगर मेनली जो 16 जोन्स बनाने होते हैं उसको, 16 को आप 32 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो 16 जोन से भी वास्तु काफी हो जाती है, वो 32 जोन की जरूरत पड़ती नहीं है, उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, 16 जोन्स में भी काफी हो जाती है। कैड वैड में बताएंगे ऐसे ही जस्ट? नहीं कैड में तो नहीं है, मैं बता दूं कैड में नहीं है। हाँ मगर मैं उसका तरीका आपको ऐसा बता दूंगा जो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और कर भी पाएंगे आप ऐसी। तो डाउजिंग भी सिखाएंगे सर? डाउजिंग भी बता दूंगा मैं, डाउजिंग कोई ज्यादा लंबी छोड़ी, डाउजिंग की भी मैं पूरी डिटेल्स बता दूंगा आपको, डाउजिंग इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, डाउजिंग ऐसी कोई चीज नहीं है। डाउजिंग है, जियोपैथी स्ट्रेस है, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। सर मैप्स होते नहीं ज्यादातर कईयों के पास है, कह रहा हूँ मैप्स नहीं होते, जैसे घर का लेआउट होता है ना वो नहीं होते कईयों के पास। देखिए क्या होता है, आपके पास अगर लंबाई चौड़ाई भी है ना प्लॉट की, या आपका फ्लैट है उसकी लंबाई चौड़ाई अगर आपके पास में है, तो उससे भी हो जाता है, क्योंकि देखिए वो तो चाहिएगा ना, बेस तो चाहिए कहाँ पर हमने करना है, नहीं तो आप टेंटेटिवली भी देख पाएंगे, वैसे तो देख नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट जोनिंग जो है वो नहीं हो पाती। देखिए मैं आपसे वैसे ही कह दूं, क्योंकि प्लॉट के साइज लंबाई चौड़ाई पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो जोन आपका कौन सा। आप सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मेरा वो नॉर्थ ईस्ट है, जरूरी नहीं है, वो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई बताती है कि वो नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा आएगा, छोटा आएगा या बड़ा आएगा, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि प्लॉट की लंबाई चौड़ाई जो है कभी भी जो है, वैसे तो रेकमेंडेड है मैक्सिमम डबल हो जाए चौड़ाई से लंबाई, नहीं तो 3 टाइम्स, अगर 4 टाइम या 5 टाइम है तो फिर वो बेकार है, उसकी वास्तु तो फिर बिल्कुल ही गड़बड़ा जाए। वैसे तो स्क्वायर प्लॉट जो है वो सबसे बेस्ट है, उसकी वास्तु जो है सबसे ज्यादा अच्छी हो सकती है, अदरवाइज तो जोन घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। आज कोई भी डायरेक्शन घटती है या बढ़ती है उस चीज का भी वास्तु पर बहुत बड़ा असर है। आज कोई भी डायरेक्शन, आज मान लीजिए कोई पॉजिटिव डायरेक्शन वो कम हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ गई आपकी, तो वो उसी हिसाब से इम्पैक्ट देगी आपको, है ना, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो है वो डायरेक्शन का ही है। एनर्जी फ्लो आपको कितना मिल रहा है पॉजिटिव से, कितना मिल रहा है नेगेटिव से, डिपेंड करेगा उसी हिसाब से। देखिए बराबर चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव बढ़ा हुआ हो, इतना जरूर कहते हैं नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो नुकसान नहीं करेगा, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो तकलीफ करेगा, साउथ वेस्ट नीचा है तो तकलीफ करेगा, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है तो तकलीफ करेगा, वो सब चीजें तो है। जी संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज कुछ पूछना चाहे, कोई ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, क्लासेस हैं? जी रंजीत आप कुछ पूछ रहे हैं? रंजीत सॉरी अनम्यूट नहीं था सर आपकी तरफ से। चलिए चलिए बताइए। वो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कई फ्लैट होते हैं बाद में कटे हुए होते हैं लेकिन बाद में एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग,
अब कौन सी डायरेक्शन कटी हुई है और किसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं? देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड कर लिया, कोई खराब नहीं है। आपने साउथ वेस्ट एक्सटेंड कर लिया तो तकलीफ बढ़ जाएगी, है ना? वो नहीं नहीं उसको फिर हाँ रूम्स वगैरह बना दिए हैं हाँ तो वो अगर मैं यही एक्सटेंड ना, करते। देखिए ना, हाँ आपने जी कौन सी डायरेक्शन बढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, एक डार्क जोन है, एक लाइट जोन है, एक हल्का रखने का है, एक भारी रखने का। तो वो सारी चीजें वो आपके कोर्स में आने वाली है, किस एरिया में आप 100% वेट रख सकते हैं, किस एरिया में 50% रख सकते हैं, किस एरिया में 25%, और कहाँ पर 0 वेट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें कवर होंगी हमारे कोर्स के अंदर में, जहां पर भी जिस तरीके से हमें एनर्जीज को बैलेंस करना है, ठीक है वो चीजें तो आपको बताई जाएंगी कहाँ पर। और मान लीजिए कहीं पर एक्सटेंशन है, उसको एक्सटेंशन को कैसे हमने बैलेंस करना है, अगर वो खराब डायरेक्शन है उसको कैसे एग्जॉस्ट करना है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कटा हुआ है उसको एनहांस कैसे करना है, वो सब चीजें। सर, कुछ एग्जांपल दे देते हैं ना एनहांस का और एग्जॉस्ट का। भाई आप देखिए ना, एग्जांपल्स तो अब सारे कलर्स के हिसाब से भी हैं, मेटल्स के हिसाब से भी हैं, कोई ना कोई हम एलिमेंट रख करके भी कर सकते हैं। कई तरीके की रेमेडीज हैं, मतलब रेमेडीज, क्योंकि रेमेडीज की जो जो है ना चीजें बहुत सारी हैं। बहुत अब सारे उसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर, मैं सपोज करिए आप, मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही बना रहे, तो वहां टॉयलेट बनने से तो अब चीजें ऐसी हैं जो रेमेडीज हो ही नहीं सकती। अब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है ना, उसकी कोई रेमेडी नहीं। अगर कोई कहता है वास्तु कंसल्टेंट की, नहीं जी मैं उसकी रेमेडी कर दूंगा, तो वो गलत कह रहा है। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनकी रेमेडीज हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। वहां से आप सिर्फ वॉशिंग एरिया रख सकते हैं, मगर वहां से टॉयलेट सीट हटानी ही हटानी पड़ेगी, आप रख नहीं सकते वहां, डॉक्टर ठीक है ना? तो वो अलग अलग एरिया के हिसाब से, अगर मान लीजिए मैं एक दो चीजें आपको बता भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेटल स्ट्रिप्स की भी है, मिरर लगाने की भी है। नॉर्थ ईस्ट आपका कटा हुआ है, आप मिरर लगाइए, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, तो काफी रेमेडीज हैं उन सब चीजों की। पिरामिड से भी रेमेडीज है, उसकी भी रेमेडीज की बात करेंगे हम, पिरामिड्स की रेमेडीज की। तो रेमेडीज के नाम पर कोई चीज छूटने वाली नहीं है, मैं आपको सारी तरीके की रेमेडीज देने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही चीज के ऊपर रेमेडी में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जहां पर जिस चीज को आपने यूज करना है वो रेमेडी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ठीक है सर, किसी जगह पर कोई रेमेडी यूज होगी, किसी जगह पर कोई रेमेडी यूज होगी। सिर्फ इवेल्युएशन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, कि आप उस चीज को इवेल्युएट कर पाए। अगर आपने उस चीज को प्रॉपरली जज कर लिया तो रेमेडीज तो हो जाएंगे, रेमेडीज में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ पीयूष, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते, जी जी पीयूष जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है हाँ सर? हाँ हाँ आ रही है। हाँ हेलो, पीयूष जी बोलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है, आ रही नहीं, है, जैसे अभी बोलिए। आपने बताया मिरर के बारे में, एनहांस कीजिए। जी हाँ, नहीं, आपने अभी बताया मिरर के बारे में, तो जी कहीं कई बार ऐसा पढ़ने में आता है कि कई बार सुनने में आता है कि जैसे कि मिरर को अपने हिंदुओं में उसको एंटी रिफ्लेक्शन माना गया है। तो हाँ ये अब एंटी रिफ्लेक्शन मतलब आप कुछ भी लिखा हो मिरर में देखो तो उल्टा दिखता है, हाँ तो नहीं, क्या वो मैंने वही इसीलिए आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि हम मिरर ही लगाएंगे, हमारे पास और भी बहुत चीजें हैं लगाने। जी जी सर, थैंक यू सर। अब तो आज मान लीजिए छोटी सी चीज है, अगर मैं आपसे बताऊं कि आज किचन के स्लैब ही है, अगर सपोज करिए आपके कौन सी डायरेक्शन में किचन है और कौन सा स्लैब आपका लगाने से ठीक हो सकता है, ऐसा भी है। अगर मान लीजिए नॉर्थ में किचन है, आप ग्रीन कलर का स्लैब लगा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन है येलो कलर का लगा दीजिए, ईस्ट में किचन है ग्रीन कलर का लगा दीजिए, साउथ ईस्ट में है आप ग्रीन कलर का लगा दीजिए, साउथ में है येलो कलर का स्लैब लगाइए। किसी तरीके से ग्रेनाइट का स्लैब जो है वो मना करा गया साउथ वेस्ट के अंदर में किचन, जबकि इन सब डायरेक्शंस के अंदर किचन यूजफुल नहीं है, बढ़िया नहीं है। येलो कलर का स्लैब लगा सकते हैं आप साउथ वेस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर भी येलो का लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी येलो का लगा सकते हैं।
ऐसे में खाली एक ऐसा जरूरी नहीं, और ज्यादातर जो जगह पर है वो ब्लैक कलर के स्लैब लगे हुए मिलेंगे जो कि रेकमेंडेड नहीं है अभी। सर नॉट में है वो किचन, हाँ तो लेकिन गलती से उसमें ग्रीन कलर का स्लैब लग गया, हाँ तो अच्छा है अगर तो वो एक नॉर्थ तरह से में। रेमेडी हो गई उसकी है। हाँ तो देखो ना उसकी रेमेडी आपने अपने आप ही कर दी, अननोइंगली कर दी मगर कर दी, बिल्कुल सर, तो वो चीजें जो है ना एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है कि कहाँ पर क्या चीज हो जानी चाहिए, कहाँ पर क्या चीज बेनिफिटेबल है, कहाँ पर क्या चीज नुकसानदेह है। छोटी छोटी सी चीज है मगर वो कई बारी गलती से भी या अननोइंगली चीजें हो जाती हैं और उसकी रेमेडीज भी, ऐसा नहीं कि रेमेडीज नहीं, क्योंकि किचन जहां पर बनी है वो किचन बदली तो जा नहीं सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अवॉइड, वो आप नहीं उनको अवॉइड कर सकते, ऐसा जैसे हमने कहा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जो है उसकी कोई रेमेडी नहीं, सिर्फ रेमेडी यही है कि आप वहां से आप सीट हटा दें, आप वहां पर वॉशिंग एरिया रख सकते हैं उतना तक है बस। जी अभय जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, और किसी का? हाँ रंजीत बताओ। सर मेरा एक सवाल था, आपने स्टार्ट में जो डायरेक्शन लिखी थी कि जी साउथ साउथ ईस्ट साउथ हाँ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ, हाँ साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। हाँ तो एक डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई की जाती है और कैसे देखा जाता है कि अभी मैं देखिए, हमें तो ज्यादा से ज्यादा ईशान्य वायव्य नहीं आग्नेय ये मालूम वो है, तो देखे ना, जब आप करेंगे तो फिर आपके पास एक में सारी ये चीजें, डायरेक्शन कैसे निकालनी है सर? नहीं ये निकालनी हाँ तो मैं बता दूंगा, इसमें तो हाँ कुछ लंबा नहीं है, ये तो सारी चीजें आपको इनिशियली पता लग जाएंगी जब भी ये क्लासेस शुरू होंगी, जिसके अंदर भी ये सब चीजें ऑलरेडी आ जाती हैं। आप देखो ना कैसे हैं, अब जैसे सपोज करिए हम बात कर रहे हैं 16 डायरेक्शंस की बात कर रहे, ये तो आपको अभी यहीं पे समझ में आ जाएगा। ये हमारी 8 डायरेक्शंस हो गई, ठीक अब 16 डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनको हम और ज्यादा पार्ट कर देंगे। ये हमारे हो गए, ये क्या? ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट सॉरी, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ठीक है। ये हमारी 8 डायरेक्शन होंगे, ठीक। अब ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारी 16 है, और ये जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारी 16 डायरेक्शन है। ये हो गई ना 1 2 3 4, ये वाली, हाँ ये रह गई वेस्ट, ये ईस्ट के ईस्ट ऑफ ऊपर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट है। नॉर्थ, हाँ ये हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डायरेक्शन हो गई, तो ये 16 डायरेक्शंस हो गई, क्योंकि ये जो है हिस्सा हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया।
ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है साउथ ईस्ट तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो गया। तो ये जो है ये डायरेक्शन हमारी 16 डायरेक्शन बन गया। संजय जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर एक क्वेश्चन है जी, जैसे आपने बताया फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है इट्स बैड फाइन। हाँ नाउ माय क्वेश्चन इज किसी का सोचिए दशा बहुत बढ़िया चल रहा है, दैट नेटिव यू प्लेस हिम इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर देयर इज अ टॉयलेट whether it is going to affect his 100% आज ना एक ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया है। आज किसी के घर के अंदर में वास्तु तो पूरे घर का खराब है, वास्तु तो पूरे घर का खराब है, ऐसा क्यों है कि किसी एक आदमी या दो आदमी के ऊपर में ज्यादा असर आता है बाकी कुछ लोगों के ऊपर में असर ज्यादा नहीं आता? उसका कारण वही है जो आपने दशाओं की बात की है, जिसकी दशा कमजोर होगी वो जल्दी लपेटे में आ जाएगा, जिसकी दशा ठीक होगी वो बच जाएगा। देखिए फिर वही बात आती है जो वास्तु का पार्ट है, हम पहले भी बात कर चुके हैं 33% जो है वो डेस्टिनी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। 33% अगर आप कहते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजिकल चीज ले सकते हैं जो आपका चार्ट है, आपकी दशाएं हैं, आपके प्रॉमिस है। अगर बैलेंस को अगर आप लेते हैं तो ये वास्तु है तो आप इसको तो बदल नहीं सकते किसी भी हालत में, इसको आप फिर भी नहीं बदल पाते। ये भी जो प्रॉमिस बन गया आपका एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉमिस उसको आप बदल नहीं पाएंगे, मगर इसके लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आज किसी की लाइफ के अंदर में जैसे तीनों पार्ट अच्छे हैं तो उसकी लाइफ में तो वो तो हमसे हमारे पास आएगा ही नहीं, हमारे पास कोई कारण ही नहीं है उसके आने का। जिसके दो पार्ट भी खराब है, आज मान लीजिए ये वाला पार्ट खराब है डेस्टिनी का और वास्तु का पार्ट खराब है, तो ऐसे में उसकी अगर ये रेक्टिफिकेशन हो जाती है तो दो चीजें जो है ठीक हो जाती है। आज हमने कहा ये तो हम बदल ही नहीं पाएंगे, इसको भी अगर बदलने की कोशिश करें जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जो उस वक्त के लिए वर्ष फल के अंदर काम करती हैं और आपने इसको ठीक कर लिया तो फिर भी लाइफ बहुत अच्छी चल जाती है। ये 66% भी जिसको अवेलेबल है उसकी लाइफ जो है बहुत बैलेंस्ड है यहाँ पर, क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो ठीक हो गया। मगर जिसका ये खराब है, जिसका ये खराब है और कहीं पर ये वाला बीच का हिस्सा खराब मिल गया जो आपने बात करी दशाओं की, तो आप ये मान करके चलिए कि उसकी जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त में परेशानियां जो उसके ज्यादा हो सकती हैं जब ये वाला टाइम खराब आएगा। ये तो ऑलरेडी खराब है, ये खराब है ही है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो ऐसे में यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम आएगी तो तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है संजय जी, प्रवीण जी, जी या थैंक यू सर। हेलो जी जी, मान लो सर ये भूमि परीक्षण में हमको पता लग गया कि ये पर्टिकुलर लैंड इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है या रेजिडेंस के लिए नहीं है, तो मान लो चलो वहां पर उसने बना दिया है तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे? वो तो हम चीजें डिस्कस करेंगे ही ना, वो तो सारी वो आएंगी आएंगी आपके लिए पूरा मैंने बताया, लैंड से लेकर के आगे तक सारी चीजें जहां पर भी अगर वायलेशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं वो हम करेंगे। और हमने करना क्या है यही वास्तु, मान ले हम कोई विजिट पे गए इंडस्ट्रीज में, आप वो प्रॉब्लम्स जान करके ही बता पाएंगे। या तो देखिए ना, प्रॉब्लम्स जान करके ही आदमी बता सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में कहाँ पर फ्लॉ है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस वजह से आ रही है, बता पाए। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरे इसमें प्रेशन कुंडली से भी देख सकते हैं हम। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मान लो किसकी डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजिकल योगा सारे ही खराब है तो वास्तु वहाँ क्या इफेक्ट करेगा, कोई इफेक्ट करेगा क्या? क्योंकि डेस्टिनी, हाँ आपने कहा डेस्टिनी खराब है, ये भी खराब है। हाँ
वास्तु का क्या रोल है? अब मान लो एक जिसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा है, आप अगर मान लीजिए 66% तो खराब है ही है, अगर ये 33% भी ठीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रिलैक्सेशन आ ही जाएगा, पूरी तरीके से तो परेशानी नहीं आएगी। मैं एक चीज मैंने ये देखी कि मोस्टली आप अगर देखो इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है वास्तु क्या चीज होती है, वास्तु आजकल ही फैला है, परेशानियां बढ़ रही है, अदरवाइज लोग जनरली यूज ही नहीं करते, लाइफ निकल जाती है लोगों की। नहीं अब नहीं देखिए, आज मैंने फिर बताया जिसकी लाइफ के अंदर में आपने कहा ये ठीक नहीं करते, आज मान लीजिए हर एक किसी को पता है कि मेरे घर में मैंने क्या गलती कर रखी है, वास्तु कहाँ पर प्रॉब्लम है, सब जानते हैं, वो बात अलग है कि वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, परेशानियों में जीने की आदत पड़ गई है, उसको ठीक करना नहीं चाहते हैं, मगर परेशान तो है। या तो ये ना आदमी कहे भाई मेरी तो वास्तु खराब है मगर मैं फिर भी खुश हूँ, वो खुश अगर होगा तो वो इसकी वजह से होगा। अगर मान लीजिए किसी की वास्तु खराब है, ना कराए ठीक कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसका ये 66% जो है ये फेवरेबल है, इसलिए उसको ठीक कराने की जरूरत ही नहीं, वो कहता है मैं इसमें ओके आया हूं ओके। मैं वही बोला लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लाइफ भी ठीक चल रही है, उनको वास्तु का पता भी नहीं है ना। हाँ, तो मैं वही वो कह रहा हूँ ना, तो ये 66% जब भी किसी का 66% बैलेंस होगा उसे पता नहीं लगेगा। हाँ, वो यूज भी नहीं करते ना, पता चलेगा ना यूज करते ना, वो यूज करेंगे क्यों करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं कहता। देखिए किसी की लाइफ अगर स्मूथ चल रही है वो क्यों रेमेडी करेगा, उसे क्या जरूरत पड़ रही है। अच्छा ये आप क्लासेस जो करेंगे मतलब ये हफ्ते में क्लास होगी कि कैसे होगा, मतलब क्लासेस आपकी है? हफ्ते में दो क्लासेस हैं, थर्सडे फ्राइडे सुबह 10:30 बजे थर्सडे फ्राइडे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। थर्सडे फ्राइडे तो ये मतलब कितनी देर में, महीने में 8 क्लासेस तो 1.5 महीने में खत्म होगा फिर ये? 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है, टोटल कितनी क्लास होगी, टोटल कितनी क्लास होगी? 24 क्लास है। 20 वास्तु की और 4 बीएनएन की है। अब 20 और 4 हो जाए, 18 और 6 हो जाए, 20 और 6 हो जाए, उस बात का कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी जो क्लासेस का नंबर है ना वो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे उतने में खत्म कर, ये 1.5 घंटे की क्लास होगी ये जरूर। अच्छा 1.5 घंटे की क्लास, 90 मिनट्स की और 24 क्लासें होंगी मोटा मोटा। जी और कुछ, कोई पीयूष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, विजय आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी बताइए। सर इसमें 8 दिशाएं लेना है या फिर ये 16 से ही? नहीं मैं देखिए आपको जो फ्लॉज हैं वो तो 16 के बताऊंगा, मैं 16 दिशाओं का बताऊंगा आपको कि कहाँ पर, और रेमेडीज भी जो होंगी वो आपकी इन्हीं हिसाब से ही आएंगी, आप कहीं पर भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो बात करेंगे देखिए होने को तो 8 में भी काम चल जाता है, 16 की जरूरत नहीं पड़ती है, बट थोड़ा सा अगर हम माइन्यूट लेवल पे चले जाए तो फिर वो 16 के ऊपर में मैं जो आपको बताऊंगा, जो फ्लॉज बताऊंगा, परेशानियां बताऊंगा, किसी भी मिस उसका जो वायलेशन का, उस 16 डायरेक्शंस का बताऊंगा। ओके सर जी। अच्छा मेरे को एक चीज और बता दी, जो आपकी भृगु नंदी नाड़ी वाली क्लास है एस्ट्रोलॉजी वाली, वो कितने क्लासेस चलती है आपकी? वो 40 क्लास हो जाती है, 35 से 40 क्लास की। 40 तो वो भी 1.5 घंटे क्लास होगी एक? वो 2 घंटे की क्लास है। तो वो 2 घंटे की, वो कितने देर में खत्म करते कोर्स है? हैं वो तो 4 से 5 महीने का, 4 से 5 महीने का। अच्छा तो आपके मतलब कोर्सेज मल्टीपल चलते रहते हैं एट अ टाइम है ना, आप टीचिंग ही करते हो? हैं आप टीचिंग ही करते हो मतलब मेनली? मैं अभी फिलहाल तो यही करता हूं। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको ना इनके वैसे पीडीएफ ही बना दी ताकि बंदो रेफरेंस, क्योंकि वीडियो लंबा होता है कौन देखता रहेगा इतना, तो अगर पीडीएफ बंदे एकदम रेफर करके अंडरलाइन उसको कर सकते हैं। ऐसा है अमित जी आपका बहुत जोर है इस चीज पर, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हीं सब चीजों के लिए, अब पीडीएफ की थोड़ी सी मेहनत आप भी लोग करें, आपका बहुत जोर है मेरी बुक्स के ऊपर में, मेरे पीडीएफ पे, मेरे पास में इतने काम कम है। जी पीडीएफ में सर मजा नहीं आता है। हाँ मैं वही ना थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है, लोगों को आदत पड़ी है कि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाती हैं। मैं नहीं, मुझे एक बात बताइए, आज मैं जो चीजें आपको समझा, आप तो जो बीएनएन करते हैं वो तो जानते ही हैं, मैं जो चीजें बात करता हूँ अगर मैं आपको सिर्फ पीडीएफ पे पढ़ाऊंगा, चार्ट सामने नहीं बनाऊंगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सर। बीएनएन पे बहुत सी बुक्स है सर,
बिनन पे बुक्स की कमी नहीं बुक्स है। भरी पड़ी है, आप बुक्स असल ले लीजिए। मार्केट तो पीडीएफ के बुक से भरा पड़ा है, पर जो समझना आप, है आप वो जैसा आप जैसा बिनन का एक्सपर्ट नहीं है सर। आपका वीडियो जो है ना जो देख लेगा वो ये बुक्स और पीडीएफ की बात छोड़ देगा सर। हाँ मैं मतलब मेरा ये कहना है जिन्हें हाँ जिन्हें मालूम नहीं है ना मेरे पढ़ाने का, वो लोग मेरे से बात करते हैं पीडीएफ, इसीलिए मैंने उनको अमित जी को कहा। मैंने वो बार बार मेरे को फोन करके भी कहते हैं सर बुक्स आपकी आ जाए, आपकी पीडीएफ। मैं कहता हूँ जिसने मेरी लाइव क्लास अटेंड कर ली ना उसको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी सर कोई रिसर्च की कर लेगा ना, एक प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन पे अगर कोई पढ़ लेगा 1.5 घंटे की क्लास, तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक जो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या देता है, क्या पॉजिटिव देता है, क्या निगेटिव देता है, क्या न्यूट्रल करता है, वो हम पीडीएफ पे कैसे बताएंगे। सुपर है, बुक्स में सर आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, बुक्स में नहीं कर पाएंगे। मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर कि विनन को तो मैंने कई लोगों से देखा, एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ आपका वीडियो आता है ना वो कहीं नहीं है सर। तो 1.5 घंटे की क्लास जो है, कुछ लोग उस 1.5 घंटे की क्लास से 5 घंटे का लेक्चर बना सकते हैं, मतलब इतनी रिच क्लास है वो। अगर किसी को थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती है तो 1.5 घंटे के कंटेंट को 5 घंटे से 5 आवर टू 6 आवर एक्सपेंड कर सकता है, मतलब इतना कंटेंट रिच क्लास आपका रहता है। तो वही मैं वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखे ना जिनको मैं तभी तो कह रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका कभी सवाल नहीं आता इस चीज का, वो कभी भी नहीं पूछेंगे कि सर आपकी पीडीएफ है या आपका ये है। एक्चुअली में सर गलती इनकी भी नहीं है ये। हाँ। अगर उस वीडियो को देखेंगे ना तो ये खुद समझेंगे कि हमको पीडीएफ इसकी नहीं चाहिए। नहीं जैसे जो अभी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन हर एक का होगा सर, मतलब जो भी पहली बार ज्वाइन करेगा कि हमको पीडीएफ मिलेगी क्या। एक्चुअली में पीडीएफ से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपका लेक्चर जो है ना वो इतना सुपर है जी, तो सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर देता है वो, ना उसकी पीडीएफ की जरूरत है ना बुक की। आप सोचिए, मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा सर मुझको रिफरेंस बता दीजिए आप, क्योंकि आपका जो लेक्चर है ना उसमें रिफरेंस आप अपने आप सर्च कर सकते हो, और आप जो मेटल दे रहे हो इतना रिफाइन करके देते हो ना कि चीजों को इतना बढ़िया ढंग से प्लेस करते हो जी, उसमें कहीं किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचो कि आप बिरन की बुक पढ़ के फिर आपका लेक्चर नहीं, आप 10 बुक पढ़ लीजिए आपको बिरन समझ में नहीं आएगी, आपके 10 लेक्चर कोई देख लेगा उसको 10 बुक के बराबर समझ में आ जाए। जरूरत उतनी होती है सर जितना आप बताते हो ना, उतनी जरूरत होती है और इतना ही माइंड में रह पाता है याद, उससे ज्यादा की जरूरत वही ना। देखिए खास बात यह है कि सर जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप प्लेनेट आप लेंगे इतने बार बताते हैं कि आप एक बार में 10 जो है उसके कारक बता देंगे, इस प्लैनेट का ये कारक होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब आप ऑटोमेटिक जो डायरेक्शनल चार्ट है वो तो अंदर मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया है सर, जरूरत ही नहीं, नहीं है। देखिए ना अगर मान लीजिए मैं इतना सब नहीं बताऊंगा आज, मतलब कुछ मतलब नहीं ना, मैंने क्लास कराई निकल गई आपके दिमाग से, स्लिप आउट हो गई। बहुत ही सुंदर है, तो मतलब ये पीडीएफ और बुक की बात ना सर वो एक्चुअली में थोड़े कुछ समय के बाद एक दो लेक्चर के बाद लोग खुद ही बंद कर देंगे कि हमको पीडीएफ नहीं चाहिए। बल्कि आपने जो हमको पीडीएफ दिया भी ना सर, मैं ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि हमने इसको काफी दिन से किया हुआ है तो मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था कि पीडीएफ में क्या मैटर होगा और जो आप बता रहे हैं उसमें क्या मैटर होगा, मतलब उसको कहीं से आप मैच नहीं कर सकते। वो तो किया था कि हाँ कम्प्लीट करने के लिए चीजों को ये होना कि ये चीज नहीं बताई गई, वो देना जरूरी था, अदरवाइज वीडियो का सर कोई जवाब नहीं, आपके लाइव लेक्चर का कोई जवाब नहीं। बाकी लोगों से आपका परिचय करा दूं, कटियार जी जो है कानपुर में डिग्री कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है। अब आप सोचिए कटियार जी का कहना ये है, इनके तो सारे दिन में टीचर जी आगे पीछे घूमते हैं, और उसके बावजूद ये अगर मान लीजिए इस चीज को कह पा रहे हैं या कह रहे हैं, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी कटियार जी, मतलब मेरे लिए आपका जो एप्रिसिएशन है वो बहुत काउंट करता है। सर मैं फिजिक्स बैकग्राउंड का हूँ, फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ मैं, इसमें प्रिंसिपल हूँ मैं, मतलब टीचर्स पॉलिटिक्स में हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी में करीब मैं 2011 से जुड़ा हूँ, और जितने भी टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं उस सबके संपर्क में हूँ, और मैं इसको बड़े ऑनेस्टली इस बात को कहता हूँ कि आपसे बेटर कम्युनिकेशन एस्ट्रोलॉजी में अभी तक मुझको किसी का मिला नहीं। मतलब इस चीज को मतलब कहने में कहीं कोई बुराई नहीं है, अतिशयोक्त नहीं है आप इस बात को कहने में, बहुत बढ़िया सुपर सर। मतलब मैं भी सर टीचर हूँ ना, तो मैं इस चीज को सबसे पहले देखता हूँ कि क्या चीज आप दे रहे हैं, और क्योंकि टीचर के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो वो हर चीज सोचता है कि अगर हमने इस कोर्स को किया है तो हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो मतलब लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है वो। नहीं वो देखे, अब वो हमारे आशीष जी हैं वाराणसी में,
वास्तु के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जमा कॉल किया, जबकि लाइव क्लास उन्होंने अटेंड नहीं करी जमा कॉल की एक भी, उन्होंने सारे वीडियो से सुना। उन्होंने मेरे को एक कमेंट लिख करके भेजा, कहते हैं सर मैंने जमा कॉल पहले भी बहुत बार कोशिश करी सीखने की, वो कहते हैं कि आपने जमा कॉल जैसे सब्जेक्ट को इतना आसान बना दिया, कहते हैं 12 क्लास के अंदर में 13 क्लास के अंदर में आपने जमा कॉल को इतना आसान बना दिया जो इतना टफ है समझना, और आपने कैसे समझा दिया। नहीं बिल्कुल सर सही कहते हैं, जमा कॉल आपने जो पढ़ाया ना, मैं तो जमा कॉल का एक्सपर्ट हो गया, मतलब पहली बार पढ़ा, मैंने नाम ही सुना था जमा कॉल का पहली बार। जी जी जी। और आपने पढ़ाया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन पूछे जमा कॉल से आप तुरंत जो है क्वेरी का जवाब दे दो। तो वही आपने ये बात, तो उन्होंने यही कहा, कहने लगे कि आपने किसी भी सब्जेक्ट को आसान बना देना जो है, और यही मैं भृगुनंदी नाड़ी में कहता हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आज सपोज करिए मैं कोई भी कोर्स अगर शुरू करता हूँ तो मेरी इंटेंशन यही है कि उसकी जो एक बड़ी भारी जो लोगों के दिमाग में रहती है चीज की, पता नहीं कितनी बड़ी तोप है, कितना बड़ा काम है ये, कुछ भी आसान, तो बहुत आसान। मैं हर चीज को, हर BNN को भी, हर चीज में, आज वास्तु भी अगर मैं कहूंगा तो मैं उसको इतने सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि कुछ मुश्किल नहीं है, रेमेडीज भी है, आप लोग खुद अपने घर में कर सकते हैं अपने आप, या करवा सकता है कोई भी आप, जो चीजें हैं वो बहुत सिंपल वे में। सर आपने जो जुपिटर का जो डेली ट्रांजिट बताया है, जी जी, मतलब उस डेली ट्रांजिट को इतना इम्पोर्टेंस, मैं तो उसको लगातार लगा रहा हूँ और अभी तक आप एक भी ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट इसने यील्ड नहीं किया। आपको तनाव मिलना मिलना पक्का है, मतलब आपको मतलब सिंपल सी चीज है सर, लेकिन आप उसको इतना डेली टारगेट से लगा के देखिए, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि मजा आ जाता है। तो देखो ना, जिन लोगों ने कोशिश करी है, जिन लोगों ने उसको, अब देखो ना, क्योंकि आप लोगों ने, जबकि कटियार जी हमारे साथ ये हैं, इन्होंने लाइव क्लास मेरे ख्याल गिनती की मुश्किल से 4 या 5 क्लास करी होंगी, हार्डली सर 3 या 4 क्लास में, दिन में करी नहीं पाऊंगा, लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करी, उसके बावजूद इनको इतनी नॉलेज है उस चीज की, देखे खाली वीडियो देखने से। सर से बहुत सहमत हूँ, डॉक्टर कटियार सर यानी उन्होंने हाफ डजन टाइम IAS क्लियर किया है UPSC एग्जामिनेशन, तो आप सोच सकते हो वो जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट बात कर रहे हैं। हमारे 40 क्लासेस हुए BNN के, हर क्लास में कोई यानी फालतू की फिलोसॉफी नहीं, रामचंद्रा बोल के कोई नोटिंग की बाजी नहीं, कोई कुछ नहीं है सर, अपने शिष्य को ही गुरु मानते हैं सर, बड़ी बात है उनकी, और एवरीडे न्यू लर्निंग, एवरीडे न्यू लर्निंग, एडवांस नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, पैसा निकालने का कोई चक्कर नहीं, जो कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट, कम दाम में फुल नॉलेज, यही कहता हूँ, जब वो फीस में कहते हैं सर कुछ ज्यादा है कम, मैं कहता हूँ क्लास खत्म होते होते कहोगे कि सर आपने पैसे कम लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, मैं बात कर रहा हूँ इसलिए सर, ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं इसलिए रेटिफाई हो रहा है सर, मोर देन 50% आपने क्लास में जो रिपीटेड स्टूडेंट्स है वो भी रेटिफाई वही करेंगे सर। नहीं नहीं देखिए होता यही है, क्योंकि ना शुरू में तो आदमी को रहता है थोड़ा सा ये रहता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर बाद में आखिरी में होते होते वो इतना जुड़ जाता है कोर्स के साथ भी और मेरे साथ, बिल्कुल सही है। नहीं अभी देखिए बैच नंबर 12 अभी 6 क्लास हुई है, एंड दे आर डूइंग सो वेल, और वो इतना अटैच हो गए हैं 6 क्लासेस में ही, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं उसमें से, और उनको बड़ा मजा आ रहा अभी 6 क्लास के अंदर, दे आर जस्ट एंजॉयिंग द क्लासेस। एक्चुअली में BNN जो है सर, हर व्यक्ति को क्लास करनी चाहिए, अगर वो BNN नहीं कर रहा है तो सर वो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कम से कम उसने 50% क्लासेस छोड़ रखी है। सर अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, जैसे BNN में आप बताते हैं सर, KG वाले भी फर्स्ट हेलो क्लास में पहुंच गए आपकी क्लास ले लेके, तो हेलो सर, हेलो अमित जी, आपके सवाल जो है ना वो थोड़े चलिए फिर भी पूछ लीजिए। हाँ मैं छोटे से जी पूछ रहा हूँ,
जैसे वैदिक में निकालते हैं जैसे मैरिज का निकालना एक सेवन जो भी निकालते हैं, तो वो जो आपके बीएनएन में मैरिज के सूत्र, वो सूत्र अलग होते हैं क्या? टोटली अलग है। देखिए ना अमित जी, जब तक चीज जो करी नहीं है, जिसको जाना नहीं है, उसके बारे में मैं यहाँ डिटेलिंग करूंगा ना, मैं समझा पाऊंगा ना मैं आप समझ पाओगे। देखिए अच्छा। ना, क्योंकि अब आपको इतना ही सुनने से काफी लग रहा होगा, जिन लोगों ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्लासेस कर ली हैं, ऑलरेडी दे हैड कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ बीएन। आज कटियार जी हैं, रंजीत जी हैं, संदीप जी ऑलमोस्ट है ही है, काफी कर चुके हैं, बनवीत जी ने कर चुकी है, जो हमारे साथ अभी हैं ये लोग जो सर आपने हमें केजी से फर्स्ट क्लास पे पहुंचा दिया है, विकास जी हैं, ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं, संजय रॉय जी हैं, इन्होंने, इनके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उसमें भी बहुत पुराने पुराने में अश्विनी ठाकुर जी बैठे हुए हैं, राज का हो चुका है, पाठक जी हैं, हमारे चंदेल सर हैं, तो काफी लोग हैं जिनका ऑलरेडी कोर्सेज हो चुका है, तो भरत जी हैं, दो बार कर चुके भरत जी अविना जी है, अभय जी है, अविना जी हैं, काफी लोग हैं जो ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है अपने कोर्स में, अभय पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है, संजय सर पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है। हाँ देखो ना कितने लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से, अब देखो ना कैसे कैसे लोग जो कर रहे हैं, और आई एम रियली वेरी मच, जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ इस बात के लिए कि ब्लेस्ड तो सर हम लोग हैं ब्लेस्ड तो हम लोग हैं क्योंकि इतना इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है आपको सर कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जिस स्टेप पे जो चीज होनी चाहिए वो अब जैसे उसी तरह से है, वो पता नहीं ईश्वर की मर्जी है या हम लोगों का भाग्य है। ये गॉड ग्रेस है कटियार जी, मैं कोई बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे चीजों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने में, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे चीजें बड़े बहुत ठीक से बताई जाए, और ऐसे ही मैं आगे बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज बता रहे हैं वो आधी अधूरी बता देंगे तो फिर वो चीजों का मजा नहीं आता। दूसरी चीज ये ना सर, आप कभी चीजों को मिक्स नहीं करते हो, जैसे कि ये चीज जब कोई पूछता भी है कि जो एम्बिग्विटी है और वो सोर जाते हो तो आप मना कर देते हो कि उससे कुछ जरूरत ही नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज है, मतलब अनावश्यक रूप से जो इंटेलेक्ट आदमी शो करता है कि हमको ये भी आता है, वो आप नहीं करते हो। आप कहते हो कि यार प्रेडिक्शन जो है फर्स्ट डे से आनी चाहिए, ये नहीं कि 5 दिन पढ़ने के बाद प्रोडक्शन आएगी क्या? मैं यही चीज कहता हूँ, हाँ आप शुरू करो, और देखो हम आए सिर्फ प्रेडिक्शंस करने के लिए। अगर मान लीजिए यही चीज है, अगर हम लोग प्रेडिक्शंस ही नहीं कर पा रहे हैं, खाली सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, प्रेडिक्शन का पता ही नहीं कहाँ है, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट डे इफ यू स्टार्ट द कोर्स, पहले दिन से प्रेडिक्शन शुरू हो जाने चाहिए। अगर प्रेडिक्शन नहीं आ रही है तो वो कमजोरी आपकी है, आप नहीं पकड़ पा रहे। मगर मैं ऐसा स्टूडेंट भी छोड़ता नहीं हूँ, मैं अपनी क्लास में बहुत पक्की बात है सर, आप बिल्कुल नहीं छोड़ते हो, ये तो पक्की बात है। हर हर स्टूडेंट को बहुत प्रॉपर अटेंशन पे करते हो सर, पता नहीं कैसे आप कर लेते हो इतना। मैं हाँ, मुझे ना कोई क्लास में नहीं भी आता ना, मुझे याद रहता है कौन, याद रहता। मुझे ना थोड़ा सा एक चीज का है, और मैं बड़ा पर्सनल अटेंटिव हूँ किसी भी स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो, और खास तौर से देखिए कुछ लोग बंगाल के बहुत लोग हैं मेरे साथ में स्टूडेंट, अभी भी जो नया कोर्स हुआ है उसमें भी वो कुछ लोग हैं जो क्लास में नहीं बोल पाते, उनको थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, फिर मुझे फोन भी कर लेते हैं, मैं उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करता हूँ, फिर उस पर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, मतलब कोई चूकना नहीं चाहिए, बस अगर चूक रहा है तो फिर वो मेरी गलती है, मेरी कमी है, अदरवाइज तो चूकना नहीं चाहिए कहीं से। दूसरी चीज, एक चीज और भी है सर, कि आप जो है ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली इंटरटेन करते हो, कभी ये नहीं कि पेशेंस लूज कर दिया, अरे ये क्या अब्सर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया है, तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कभी नहीं, इक्वल वेटेज है क्वेश्चन, कोई भी है उसका इक्वल वेटेज है, मतलब बड़ी अच्छी चीज है सर। जनरली होता है कि आप भी सोचता, अरे तो बड़ा ट्रिवियल सी बात है, इसमें क्या है, तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आप कभी अज्यूम नहीं करते। नहीं नहीं, मैं एक एक चीज को चार चार बार भी, अगर किसी का भी रिपीटेड क्वेश्चन भी है उसी चीज के लिए, तब भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरी नेचर में नहीं है कि मैं उस चीज को छोड़ू, नहीं छोड़ू। जैसे अभी आपने बास्ट किया, तो मैं बास्ट तो कर चुका हूँ, जैसे ये महाबास्ट की आपने बात की, सतीश शर्मा जी है, चिंतक जी, उनके साथ में लगा रहा हूँ, तो अभी आपने जो आधा घंटे में जो डेमो दिया ना, वो मतलब एक पूरा ओवरव्यू है,
लोगों के लेके, जो कि हमने उस कंटेंट को कई बार देखा है तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेके आ पाए हो सर, तो चीजें जो है बहुत बढ़िया है सर। चलिए सर, जैसा भी हो जिसको फिर भी कोई कोर्स के बारे में जानना चाहे मेरे को एक बार इनबॉक्स में भी पूछ सकता है, अगर किसी को कोई भी चीज की इंक्वायरी हो। ठीक है, कोर्स हमारा शुरू होगा ही थर्सडे से सुबह 10:30 बजे, फिर भी जो लोग ज्वाइन करना चाहें करिए, नहीं तो बाकी सब कोर्सेस तो चल ही रहे हैं। चलो शाम को मिलते हैं सर फिर। हाँ शाम को, सुबह शाम को 4:30 बजे क्लास। 4 बजे ठीक है सर। सर नमस्ते सर, एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सर। मिडिल ईस्ट में ना सर विश्वकर्मा की बहुत सारी स्टैचूज मिलती है, तो यू कैन बिलीव सर, कैन यू बिलीव, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत होता है। अरे वाह। तो इधर विश्वकर्मा की मूर्तियां बहुत मिलती है, इवन आप डिस्कवरी चैनल पे नेशनल ज्योग्राफी पर बुर्ज खलीफा का जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था तभी भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा की थी और ऊपर भी दिखाया था कि वो कितना बिलीव करते हैं वास्तु में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड वर्कर्स। जी जी, तो अच्छा है। देखिए आप इसको कोर्स को 10:30 बजे का टाइम रखा है हम लोग, अगर वैसे तो रंजीत यू आर यूज्ड टू 10:30 AM तो कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आई। कब से है सर स्टार्ट? ये थर्सडे से है। थर्सडे से ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। बिल्कुल सर, थैंक यू कटिया जी, थैंक यू रंजीत, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर।